वहीं मध्य प्रदेश की मोहन सरकार एक्टिव मोड में आने की तैयारी में जुट गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आचार संहिता खत्म होने के बाद पहली कैबिनेट बैठक मंगलवार को करने वाले हैं। इसके लिए एजेंडा फाइनल करने का काम चल रहा है। इसमें 20 से अधिक एजेंडों चर्चा में लाए जाने की भी संभावना है। वहीं कैबिनेट बैठक में जल संसाधन, नगरीय विकास और आवास विभाग समेत अन्य विभागों के करोड़ों रुपए के नए प्रोजेक्ट मंजूर करने और पूर्व में रुके प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए सहमति दी जाएगी। वहीं आपको बता दें कि मोहन कैबिनेट की पिछली बैठक 14 मार्च को हुई थी। इस बैठक में खास तौर पर चित्रकूट विकास प्राधिकरण के गठन, केन बेतवा परियोजना के लिए 24,000 करोड़ रुपए की मंजूरी और पर्वतमाला योजना के अंतर्गत प्रदेश के कई जिलों में रोपवे शुरू करने का फैसला किया गया था। इसके बाद अब 89 दिनों के बाद फिर से पहली बैठक होने वाली है। इधर चुनाव आचार संहिता खत्म होने के बाद प्रदेश में अगले मंगलवार से जिलों में कलेक्टर कार्यालय में होने वाली जन सुनवाई में भी शुरू हो जाएगी। वहीं GAD यानी सामान्य प्रशासन विभाग अब इसे फिर से शुरू करने का आदेश 2 दिन में जारी करेगा।